Good afternoon, all of you. Today, our topic is consumer goods and capital goods and final goods and intermediate goods. Last circular flow of income के बाद में जब अपन goods के बारे में बात करते हैं तो on the basis of time we describe कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. नेक्स्ट वी कंक्लूड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. फर्स्ट, सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स इन इकोनॉमिक्स, गुड्स आर कंसिडर्ड एज दोज कमोडिटी which are capable of satisfying human wants and desires. There is two primary classification of goods, consumer goods and capital goods. देखिए, economics में अपन जब बात करते हैं तो goods को considered करते हैं, goods वो commodities होती हैं जो हमारी human wants को, डिज़ायर्स सेटिस्फाइंग करने के काम आती है. देर आर टू क्लासिफिकेशन, उनको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स. लेकिन जब हम सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स आर डिफाइंड एज द गुड्स दैट आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन. यानी अब उस गुड्स को फर्दर प्रोसेस में नहीं लिया जाना, उस प्रोडक्ट को केवल हमें कंज्यूम करना है, उस सर्विस को हमें कंज्यूम करना है, या नहीं अब वो सर्विस आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम नहीं आने वाली, वो कंज्यूमर गुड्स होते हैं. मतलब ऑल दोज गुड्स दैट आर फुल्ली यूज्ड अप क्विकली आफ्टर देयर परचेज. कंज्यूमर गुड्स आर नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूटिलाइज नहीं होने, उनको सीधे कंज्यूम करना है. यानी एग्जाम्पल लेंगे अपन आइसक्रीम. आइसक्रीम अपन ने परचेज की, चिप्स का पैकेट हमने परचेज किया, सीधा हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप लोग ये मान के चलिए जिसे आप परचेज करने के बाद क्विकली उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है या वो गुड्स है वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा. लेकिन यहाँ पर एक और विशेष बात है, हम क्यों पढ़ रहे हैं कंज्यूमर गुड्स को. कंज्यूमर गुड्स को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स होने की वजह से, कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स होने की वजह से नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है. फाइनल गुड्स होने की वजह से हम लोग कंज्यूमर गुड्स को या उसका जो अमाउंट है उसको, उसकी वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं. एग्जांपल के रूप में ईटेबल गुड्स, क्लॉथ्स, व्हीकल्स, रेडियो, टेलीविज़न और जो अपने क्लास की बुक्स हैं वो सब कंज्यूमर गुड्स हैं. लेकिन एक और पॉइंट आता है जिस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके मन में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग हमारे पास भी होती है और वो प्रोडक्शन में भी काम आती है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर गुड्स होंगी, क्योंकि जो गुड्स हैं वो जो हम परचेज कर रहे हैं वो ड्यूरेबल भी और नॉन ड्यूरेबल भी है. तो मैं उसको आपको क्लियर करना चाहूँगा कि द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड द ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. इनमें अपन को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, आपने आइसक्रीम खरीदी और आइसक्रीम क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है. बट अगर आपने एक फ्रीज खरीदा, टीवी खरीदा, गाड़ी खरीदी तो वो ड्यूरेबल गुड्स है. लेकिन वो
आपके लिए कंज्यूमर गुड्स ही होगा। कब तक होगा? जब तक आप उसे प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज नहीं करते, यानी ये कब तक क्या कहलाएंगे, तब तक तो ये कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे। लेकिन वेरी ऑफन द ड्यूरेबल गुड कंज्यूमेबल गुड्स यूज बाय बिजनेस फर्म आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। आपके घर पे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, सभी के घर पे रेफ्रिजरेटर्स हैं। मोस्ट ऑफली हर व्यक्ति अगर उसे अपने घर पे काम में लेता है तो वो रेफ्रिजरेटर एज ए कंज्यूमर गुड्स हैं। लेकिन अगर आपने उसे दुकान पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आइसक्रीम वगैरह रखने के लिए काम में लिया तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। एक सिलाई मशीन जो लेडीज़ें मोस्ट ऑफली अपने घर में यूटिलाइज़ करती हैं, अगर है तो वो सिलाई मशीन कंज्यूमर गुड्स हैं। लेकिन अगर उसी सिलाई मशीन से टेलर कपड़े सिलता है और अपने वैल्यू को अर्न करने में काम में लेता है तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल गुड्स होते क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ क्लियर किया तो आपको ध्यान में आ गया होगा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। लेकिन उसको डिफाइन कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन बाय द मैन्युफैक्चरर्स रेदर देयर बाय कंज्यूमर्स फॉर फाइनल यूज़। यानी यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर फाइनल यूज़ के लिए नहीं आएगा, ये फर्दर प्रोडक्शन के यूटिलाइज में यूटिलाइज किया जाएगा। यानी ये कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विस, जो अदर गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में काम आएंगे। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कैपिटल गुड्स आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक आप उससे प्रोडक्शन करते जा कर सकते हैं। या यू यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट एट मैनी मोर ईयर्स, एग्जाम्पल मशीन टूल्स इक्विपमेंट बिल्डिंग्स डैम्स कैनल प्लांट्स और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या हैं? ये सब वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर किसी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स पे कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करता। अगर डैम्स नहीं बनेंगे, अगर कैनल्स नहीं बनेंगे, अगर रोड्स नहीं बनेगी तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये थी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। इसके साथ ही अपन चलते हैं अब फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या है। फाइनल गुड्स, अभी अपन ने जो बात की आइसक्रीम, जैसे आइसक्रीम है वो अगर अपन ने यूटिलाइज़ की है, आइसक्रीम है तो वो फाइनल गुड्स है, उसके बाद में आगे उसके कोई यूटिलाइज प्रोडक्शन नहीं हो सकता। बट अगर दूध है या क्रीम है जिससे अपन आइसक्रीम बना रहे हैं तो वो क्या होगा, वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। लेकिन किसके लिए? वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा जो उसको बनाकर सेल आउट कर रहा है, आपके लिए नहीं। आपने दूध घर पे लिया, क्रीम घर पे ली और उससे आइसक्रीम बनाई और खुद खाई तो वो आपके लिए फाइनल गुड्स ही होगा। लेकिन एक शॉपकीपर अगर ऐसा कुछ करता है तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। देखिए अब डेफिनेशंस पे आते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या है? दोज गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नॉन एज फाइनल गुड्स। किसी भी प्रकार के फर्दर प्रोडक्शन में वो काम नहीं आएगी तो वो फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। वो किसके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है? कंजम्पशन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए। डायरेक्ट, कई बार क्या होता है, गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। कई बार गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा यूज्ड कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए फूड है, वो एक कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ कर रहा है। पंप सेट है, ट्रैक्टर है, एक प्रोड्यूसर यानी एक फार्मर सीधा यूज़ कर रहा है, वो उसका फाइनल गुड्स है। लेकिन अपन बात करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विस यूज्ड फाइनली फॉर कंजम्पशन आर फाइनल गुड्स। वो कंजम्पशन के लिए फाइनली यूज़ कर रहा है, उसके बाद में उसमें वैल्यू एड करके नहीं आगे बेच रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। बट इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ सेमी
फिनिश्ड गुड्स, यानी वो गुड्स तो है पर वो पूरी तरीके से अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है। यानी आप एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से समझिए कि एक गुड, एक ऐसा कोई भी गुड्स जो किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करे, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कोई भी अगली इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में जो काम कर रहा है वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है। अब यहाँ देखिएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन वन और इन मैनी स्टेज एंड ट्रांसफर इनटू फाइनल गुड्स, फिर वो जाके फाइनल गुड्स बनता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जांपल, आप सभी के घर में अपने दूध आता है, एक दूध जो अपने घर में आता है उससे हम पनीर भी बनाते हैं, दही भी बनाते हैं, मावा भी बनाते हैं, मिठाई भी बनाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हैं, लेकिन क्योंकि उसमें अभी कॉस्ट नहीं ऐड होगी। लेकिन वही दूध एक हलवाई की दुकान पर जाता है, वहाँ उससे मिठाइयाँ बनती है, क्योंकि वो अब उसमें कॉस्ट ऐड करके उसका रूप परिवर्तन करके उसे कई प्रोसेस से ले जाकर और फिर सेल आउट करता है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। थैंक यू, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मुझे इसमें आपके जो भी सुझाव हैं मुझे कमेंट दें। थैंक यू।